हेलो गाइस तो ये है ट्वेंटी सिक्स नवंबर के पी और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अपना कॉलेज जो है वो अप्रूव डीएलआई लिस्ट में है या नहीं वो कैसे चेक करना है तो अब जो भी मेरे ट्वेंटी सिक्स नवंबर वाले पी पी के वीडियोस हैं ना तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक ऐड कर रहा हूँ

एंड देन वट यू शूड डू इज़ बिल्कुल आप नीचे चले जाओ और वहाँ पर आ जाएगा द नेक्स्ट अपडेट इज़ कैड्यूल फॉर नवंबर थर्टियथ तो यहाँ पर आपको पोस्ट सेकेंडरी कर लेना है अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है अगर आपका लाइक प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल है तो आपको पहला ऑप्शन सो हेयर आई हैव चोजन द पोस्ट सेकेंडरी स्कूल एंड देन आपको प्रोविंस यहाँ से चूज करनी है इफ़ यू गो फॉर अन्टारीओ अन्टारियो में जैसे हैंनसन का पंगा बढ़ रहा था है ना कईयों को लग रहा था कि हैंसन अन्टारीओ वाला इस लिस्ट में नहीं है वो है ठीक है लेकिन जो ब्रिटिश कोलंबिया में है ना तो वो हैंसन यहाँ पर नहीं है ओके तो इफ आई सर्च फॉर हैंसन नथिंग ऑल राइट तो ऐसे आप अपना कॉलेज चेक कर सकते हो कि हाँ जी वो डी एल अप्रूव लिस्ट में है या नहीं है अगर है तो फिर आप उन, उनकी फ़ाइल उठाई जाएगी वो प्रोसेस की जाएगी जब तक आपका कॉलेज नहीं ना ऐड होता इस लिस्ट में तब तक आपका जो है क्या कहते हैं आपकी जो फ़ाइल है वो प्रोसेस ही नहीं करेंगे ओके तो ये थी बात कि आपको अपना डी अप्रूव है या नहीं ये कैसे देखना है नाउ लेट स्टार्ट फॉर द पी तो सबसे पहले यहाँ तक तो हम कल रात कर चुके थे तो नेक्स्ट आई हैव वीज़ा फाइल किया 18 सितंबर को बायोमेट्रिक हुए 21 सितंबर को अपडेट हुए सेम डे एंड मेडिकल अपडेट बी बी एल पी पी आर आया ट्वेंटी सिक्स को नेक्स्ट वी हैव 17 सितंबर को फाइल लॉज हुई 18 सितंबर को आया बी सी एल कोरोस्पॉन्डेंस लेटर आया 26 नवंबर को और पी पी आर भी आया ट्वेंटी सिक्स नवम्बर को नेक्स्ट वी हैव इन्होंने री विड्रॉ कर लिया था क्यूबैक से फिर री अप्लाई किया फ़ाइल लॉज हुई 18 सितंबर बायोमेट्रिक हुए 31 दिसंबर मेडिकल डन हुआ 26 अगस्त मेडिकल अपडेट हुआ 24 सितंबर रिव्यू स्टार्ट ट्वेंटी सितंबर सेप्टेंबर बी बी और बी पी आ जाया है यानी ट्वेंटी को और इन्होंने नवंबर ट्वेंटी में अप्लाई किया था क्यूबैक में नेक्स्ट वी हैव सेकेंड सेप्टेंबर को अप्लाई इनका मेडिकल हुआ था ट्वेंटी सेप्टेंबर को अप्लाई किया और कै कैनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए इन्होंने फ़ाइल किया था फेब्रेरी ट्वेंटी नाइनटीन में तो बायोमेट्रिक पहले से हुए हुए थे और मेडिकल अपडेट बी वी एल पी पी आर सब कुछ आया ट्वेंटी सिक्स नवम्बर एट नाइन फिफ्टीन पी एम एंड एप्लीकेशन नंबर इज़ एस थ्री जीरो फोर फाइव टेंथ ग्रेड में इनके थे नाइन्टी फोर प्लस टू में भी नाइन्टी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी वन पास आउट विद ह्यूमैनिटीज़ कॉलेज है इनका जॉर्ज ब्राउन एंड देन कोर्स है फैशन टेक्निक्स एंड डिज़ाइन नेक्स्ट वी हैव इनके एक फ्रेंड की पी आई है ट्वेंटी सिक्स नवंबर को इनके फ्रेंड का ट्वेल्थ थर्टी थ्री एम पर इनका आया है पी पी आर फाइल लॉज थी ट्वेंटियथ सेप्टेम्बर को बायोमेट्रिक हुए फिफ्थ अक्टूबर और सेम डे अपडेट हुए थे नेक्स्ट वी हैव सी डी आई कॉलेज से पहली फाइल विड्रॉ की सेकेंड फाइल लॉज की नाइनटीन अगस्त को री मेडिकल हुआ फिफ्टीन सेप्टेम्बर पी टी स्कोर सिक्सटी वन कॉलेज है सेंट क्लेयर वाइंडसर कैंपस अगेन वी हैव अनदर पी टी वाली पी पी आर फिफ्टी नाइन है स्कोर सेप्टेम्बर फोर्थ को अप्लाई किया था और बायोमेट्रिक फिफ्थ सेप्टेंबर को इनका बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर आया ट्वेंट आई थिंक ट्वेंटी सिक्स नवम्बर को इनका कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और जो पी पी आर है वो आए थे एंड फाइनली वी हैव ट्वेंटी फिफ्थ अगस्त को मेडिकल हुआ फाइल लॉज एटीन सेप्टेम्बर को हुआ एंड बायोमेट्रिक ट्वेंटी सेवन सेप्टेंबर सेम डे अपडेट हुए पी पी आर आई ट्वेंटी सिक्स नवम्बर एट एट फिफ्टी टू पी एम एंड आल्स में ओवरऑल स्कोर इनका सेवन है विद नॉट लेस दैन सिक्स इंकैडमिक बैकग्राउंड बी ईस्ट सिविल सी जी पी एट पॉइंट थ्री एट थ्रीन बैकलॉग्स हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन पास आउट एडमिशन इन्हें मिला है एम ईस् सिविल इन यूनिवर्सिटी ऑफ वाइंटसर में एस डी एस केस अप्लाई किया था फाइनेंशियल इनके पेरेंट्स के आई टी ऑफ़ करंट ईयर एंड एफ डी ऑफ फोर्टी तो ये है ट्वेंटी सिक्स के पी पी आर लेट मी जस्ट क्विकली शो द ट्वेंटी सेवन्थ पी पी आर एज़ वेल क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक केस है एंड हेयर वी हैव इन्होंने इनकी पी पी आर आई है थर्टीथ जनवरी को इन्होंने अप्लाई किया था और ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे और इनका पी पी आर आया ट्वेंटी सेवन्थ नवम्बर एट ट्वेल्व थर्टी ओके सो ये है सारे के सारे पी पी आर ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सेवन्थ के जो अब तक आ चुके हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो कमेंट करो चेक यूर कमेंट्स एंड देन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना ओके सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ थैंक यू